वाणिज्य कर विभाग द्वारा जीएसटी पंजीयन हेतु विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसके संबंध में राज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त अमित कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश देश का एक बड़ा राज्य है। यहां पर व्यापारी गतिविधियों के लिए अपार संभावनाएं हैं। बड़ी मात्रा में यहां पर ऐसे व्यापारी हैं जो अभी तक जीएसटी पंजीकरण नहीं करवाए हैं, उन्हीं को जीएसटी पंजीकरण कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जीएसटी पंजीयन के लिए बहुत सारे लोग हैं। यदि छोटे और मझोले व्यापारी बड़ी मात्रा में पंजीयन कराते हैं तो उन लाभों को प्राप्त कर सकते हैं जिसके वह हकदार हैं। उन्होंने बताया कि जीएसटी पंजीयन की प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी है। घर बैठे ही मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं जो अधिकारी के पोर्टल पर चला जाता है। उन्होंने बताया कि यदि कोई पंजीकृत व्यापारी है तो उसके साथ किसी तरह की दुर्घटना, मृत्यु होती है तो राज्य सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और अगर व्यापारी घायल होता है तो उसे 5 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। ऐसे तमाम योजना छोटे और मझोले व्यापारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा लाई जाती है। इस अवसर पर राज्य कर विभाग के संयुक्त आयुक्त प्रकाश चंद्र गुप्ता, उपायुक्त आनंद कुमार राय, अनूप कुमार पांडे, सहायक आयुक्त विजय बहादुर, रवीश कुमार सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्य कर विभाग सहायक आयुक्त अमित कुमार सिंह ने कहा, मैं अमित कुमार सिंह, सहायक आयुक्त राज्य कर गोरखपुर। ये राज्य कर विभाग गोरखपुर द्वारा जीएसटी पंजीयन विशेष जागरूकता अभियान 2022 चलाया जा रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में, विभाग को दिए गए निर्देश के क्रम में ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है कि उत्तर प्रदेश देश का एक बड़ा राज्य है, यहाँ पर व्यापारिक गतिविधियों के लिए अपार संभावनाएं हैं। बड़ी मात्रा में यहाँ ऐसे व्यापारी हैं जो जिनका पंजीयन कराया जा सकता है, अभी वो पंजीयन नहीं कराए हैं। उन्हीं जो पंजीयन नहीं कराए हैं व्यापारी, उन्हीं को पंजीकृत कराने के लिए ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उनको ये बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि पंजीयन के बहुत सारे लाभ हैं। यदि छोटे व्यापारी और मझोले व्यापारी बड़ी मात्रा में पंजीयन कराते हैं तो उन लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। यदि व्यापारी जीएसटी में पंजीकृत होता है तो सबसे बड़ा लाभ ये है कि पंजीयन कराने के लिए उसको किसी भी प्रकार से ऑफिस का चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। पूरी पंजीयन की प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी है। वो घर बैठे ही मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म को भर सकता है, ज़रूरी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता है। फिर वो फॉर्म अधिकारी के पोर्टल पर आ जाता है। अधिकारी को भी एक निश्चित समय सीमा के अंदर उसको पंजीयन देना होता है और पंजीयन के बाद वो निर्भीक रूप से अपनी व्यापारिक गतिविधियों को नियमानुसार चला सकता है। एक बार व्यापारी जब पंजीकृत हो जाता है तो कहीं से भी वो अपने जीएसटी पंजीयन पर माल मंगा सकता है निर्भीक होकर। कहीं भी हमारे सचल दल या प्रवर्तन की जो इकाइयां हैं उनको रोकेंगी नहीं, क्योंकि वो रजिस्टर्ड होगा तो रजिस्टर्ड बिल पे माल लेके आएगा, तो उसको किसी भी प्रकार से डरने की या किसी भी प्रकार से झिझकने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि व्यापार छोटा या मझोला व्यापारी जीएसटी में पंजीकृत हो जाता है तो उसको अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए यदि बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता है तो वो अपने जीएसटी नंबर के आधार पे और अपने टर्नओवर के आधार पे अपने निकट के आसपास के बैंकों में जाके संपर्क कर सकता है। बैंकों में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं सरकार के द्वारा दी जा रही हैं। उन योजनाओं का लाभ उठाकर वो बड़ी मात्रा में ऋण प्राप्त कर सकता है और अपने व्यापार को अधिक ऊँचाई पर ले जा सकता है। एक और बात, जो हमारी राज्य सरकार है वो पंजीकृत व्यापारियों को बीमा दुर्घटना योजना दे रही है, चाहे वो राज्य क्षेत्राधिकार में पंजीकृत व्यापारी हो, चाहे वो केंद्रीय क्षेत्राधिकार में पंजीकृत व्यापारी हो। यदि उसके साथ खुदा न खास्ता किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है
तो ऐसी स्थिति में दुर्घटनागत मृत्यु होने की स्थिति में व्यापारी को तत्काल राज्य सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और यदि विकलांगता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो राज्य सरकार की ओर से 5 लाख की दुर्घटना जो है राशि जो है उपलब्ध कराई जाती है। तो इस तरह से छोटे व्यापारियों के लिए, मझोले व्यापारियों के लिए तमाम योजनाएं राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर लाई जाती हैं, चलाई जाती हैं। यदि व्यापारी पंजीकृत होगा तो उन सारी योजनाओं का लाभ उठा सकता है। यही सूचना जन जन तक, ग्रामीण बाजारों तक पहुँचाने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, ताकि आप सम्मानित मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये सूचना गाँव-गाँव कोने-कोने तक गोरखपुर के जाए और अधिक से अधिक मात्रा में व्यापारी इसमें पंजीयन अभियान में सहभागी बनकर अपना पंजीयन कराएं और देश और राष्ट्र के विकास में सहभागी बने। धन्यवाद।